हाय गाइस वेलकम बैक टू चैनल आज के इस वीडियो का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी कई दिनों से आप डिमांड कर रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी पे एक वीडियो चाहिए तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टो तो फंडेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से रिलेटेड साथ ही साथ कॉन्सेप्ट देखेंगे वीडियो के एंड में आपका मॉक टेस्ट होगा जिसमें आप देख पाएंगे कि कितने क्वेश्चन के आंसर को आप सही कर पा रहे हैं तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो साइबर सिक्योरिटी से कहीं से भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर दे पाएंगे तो विदाउट डिले शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि ये क्या है तो हम लोग देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी इज़ द टाइप ऑफ सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी कहिए या साइबर सेफ्टी कहिए ये सिक्योरिटी का एक टाइप है जो इंटरनेट से कनेक्टेड सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है इसके थ्रू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डेटा को और अधिक सिक्योर बनाया जाता है ताकि किसी भी तरह से डेटा चोरी ना हो और सभी डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स सेफ रहे सेकंड पॉइंट है साइबर सिक्योरिटी इज़ द एप्लीकेशन साइबर सिक्योरिटी एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजीज प्रोसेस एंड कंट्रोल्स का टू प्रोटेक्ट नेटवर्क्स प्रोग्राम्स सिस्टम्स डिवाइसेस एंड डेटा फ्रॉम साइबर अटैक्स साइबर सिक्योरिटी साइबर अटैक से नेटवर्क प्रोग्राम सिस्टम्स डिवाइसेस और डेटा को प्रोटेक्ट करता है तो अब ये क्लियर हो गया है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है सेकेंड जो हमारा टॉपिक है एम परपज़ स्कोप साइबर सिक्योरिटी का क्या है जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो उसका पर्पज़ क्या होता है अच्छे से अच्छे नंबर को लाना है इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी का पर्पज़ क्या है ये हम लोग देखते हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिडक्शन ऑफ वलरनेबिलिटीज़ कमजोरियों में कमी के जोखिम को कम करना सिस्टम नेटवर्क और टेक्नोलॉजीज़ के अनऑथोराइज शोषण से सिक्योरिटी यानी कि प्रोटेक्ट करना और इंसिडेंट रिस्पांस एंड रिकवरी पॉलिसी प्रोवाइड करना साइबर सिक्योरिटी का पर्पस है अब आते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन क्या है द स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज साइबर सिक्योरिटी का दायरा क्या है तो यहाँ पे दिए गए हैं ए बी सी और डी आप सभी ऑप्शंस को रीड करते चलिएगा हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे ताकि आपका टाइम सेव हो तो इसका राइट आंसर डी होगा ऑल ऑफ दी एबव वेलबिलिटी रिडक्शन यानी कि जो भी वीकनेसेस होता है उसे कम करना इंसिडेंट रिस्पॉन्स रिकवरी पॉलिसी ये सभी साइबर सिक्योरिटी के स्कॉप है सेकेंड क्वेश्चन देखिए अ परसन हू यूज हिज और हर एक्सपर्टीज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल्स कंप्यूटर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन इीगली और डू डैमेज इज आ एक व्यक्ति जो इलीगल तरीके से इन्फॉर्मेशन रिसीव करने और उसे डैमेज करने के लिए दूसरे लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए अपने एक्सपर्टीज़ का यूज़ करता है वो कौन है उसे क्या कहते हैं तो आंसर क्या होगा बी हैकर हैकर क्या करता है या फिर कह सकते हैं इसका क्या काम क्या है अपने खुद की एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करके दूसरों लोगों के कंप्यूटर के एक्सेस को गेन करना और उस इंसान का जो भी इंफॉर्मेशन है उसे इलीगल तरीके से हासिल करना और डैमेज करना डैश इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट ग्रांट्स और रिजेक्ट्स नेटवर्क एक्सेस टू ट्रैफिक फ्लोज बिटवीन एन अनऑथोराइज जोन एंड अ ऑथोराइज जोन बताना है कि हब राउटर फायरवॉल ब्रिज नन ऑफ दी एबव में से कौन सा एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है तो आंसर होगा सी फायरवॉल। फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो एक अनट्रस्टेड जोन और ट्रस्टेड जोन के बीच ट्रैफिक फ्लो तक नेटवर्क एक्सेस को अलाउ और रिजेक्ट करता है डैश आर ऑफ एन डिलीवर टू आर पी सी थ्रू एन ई मेल अटैचमेंट एंड आर ऑफेन डिजाइन टू डू हार्म इस्पैम वायरस ओटल्स ओल ऑफ अब में से इसे अक्सर ईमेल अटैचमेंट के थ्रू पी सी में डिलीवर किया जाता है और इसे हार्म पहुँचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है तो आंसर होगा बी वायरसेस वायरस जो है ये पी में डिलीवर होने का सबसे कॉमन तरीका है ईमेल अटैचमेंट के थ्रू और वायरस को सिस्टम को हार्म पहुंचाने के लिए सिस्टम में जो भी आपका डेटा होता है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मलवेयर दैट टारगेट्स यूजर डेटा एंड ब्लॉक्स एक्सेस टू देयर फाइल्स ऑन कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा एक मलवेयर है जो यूज़र के डेटा को टारगेट करता है और कंप्यूटर पर उनकी फाइल्स एक्सेस को ब्लॉक करता है दिया गया है एडवेयर फर्मवेयर रैमसमवेयर स्पाईवेयर आंसर होगा सी रैमसम ये एक मलवेयर है रैमसम का यूज़ पैसे ठगने के इरादे से किया जाता है रैनसम वेयर एक टाइप का मलवेयर प्रोग्राम है जो किसी भी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है यानी कि संक्रमित करता है और उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है सपोज़ आपका सिस्टम जो है वो किसी के कंट्रोल में चला जाए तो कोई भी आपके सिस्टम को कंट्रोल अच्छे इरादे से तो करेगा नहीं तो जो आपके सिस्टम को कंट्रोल कर लेगा तो वो उसके बदले में कहेगा कि हमें इतना पैसा दो तो मैं तुम्हारा एक्सेस प्रोवाइड करूंगा तो ये काम जो है रैमसम वेयर करता है जो एक मलवेयर है याद रखिएगा, जो यूजर के डेटा को टारगेट करता है और जो भी उसे एक्सेस करने का तरीका होता है मेथड होता है उसे ब्लॉक कर देता है आप अपनी फाइल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं वॉट डज पीसिंग स्टैंड फॉर पीसिंग का फॉर्म क्या होता है तो दिया गया है ए बी सी और डी आंसर है डी वाइज फीसिंग पीसिंग इज अ साइबर क्राइम फीसिंग जो है एक साइबर क्राइम है जो विक्टिम्स के पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए फोन का यूज़ करते हैं वाइस फीसिंग साइबर क्रिमिनल्स जो हैं विक्टिम्स को काम करने के लिए मनाने के लिए यानी कि कन्विंस करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं प्राइवेट इन्फॉर्मेशन और बैंक डिटेल्स को आप उन्हें प्रोवाइड करें ऐसे वो इस इरादे से जो है आपको कॉल करते हैं जो फ़ोन के तरीके से हमने बताया कि ये क्राइम किया जाता है आपको कहा जाएगा कि ये ये लॉटरी है आप हमें अपना प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जैसे कि अकाउंट्स डिटेल बताइए नंबर क्या है बताइए ये सारी चीज़ें आपसे मांगते हैं वॉट डज़ सी मिसिंग स्टैंड्स फॉर एस मिसिंग जो है इसका फुलफॉर्म क्या होता है तो आंसर होगा सी एस एमएसिंग एस मिसिंग और एस एम एस फीसिंग इज द एक्ट ऑफ कमिटिंग टेक्स्ट मैसेज फ्रॉड सी मिसिंग या एस एम एस फीसिंग जो है ये विक्टिम को अकाउंट इन्फॉर्मेशन रिवील करने या मलबियर इंस्टॉल इंस्टॉल करने के लिए जो है आपको ऐसा लालच प्रोवाइड करते हैं और टेक्स्ट मैसेज फ्रॉड करने का जो है ये काम करते हैं इन फिच ऑफ द फॉलोइंग अ पर्सन इज कॉन्स्टेंटली फॉलोड चेस्ड बाय अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ सेवरल पीपल इनमें से किस में एक व्यक्ति यानी कि एक पर्सन का दूसरे व्यक्ति या कई लोगों के ग्रुप के द्वारा फॉलो किया जाता है तो आंसर है बी स्टॉकिंग इस काम को कहते हैं साइबर सिक्योरिटी के टर्म में स्टॉकिंग तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखते हैं कि साइबर स्टॉकिंग होता क्या है साइबर स्टॉकिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है यानी कि क्राइम है जिसमें एक व्यक्ति या पीड़ित का किसी दूसरे व्यक्ति या कई लोगों के ग्रुप द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लगातार पीछा किया जाता है ताकि पीड़ित को परेशान किया जा सके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या है जो आपको इलेक्ट्रॉनिकली आप पे नज़र रखते हैं आप क्या करते हैं दिन भर किस वेबसाइट पे किस से चैटिंग करते हैं सारी जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है उस पर पूरा फोकस होता है उनका तो ऐसे क्राइम को साइबर स्टॉकिंग कहते हैं इसे हम ये भी कह सकते हैं कि स्टॉकिंग का प्राइमरी गोल जो होता है इसेंशियल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पीड़ित के कार्यों का निरीक्षण या निगरानी करना है यही जो हमने आपको बताया कि जो भी आप काम करते हैं उसे आपकी जो भी एक्शन होता है उसे ऑब्जर्व और मॉनिटर करना है जिसका यूज आगे धमकी देने परेशान करने आदि के लिए किया जा सकता है जब आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है तो वो आपको आगे चल के क्या करते हैं धमकी देने लगते हैं परेशान करने लगते हैं कि हमारा ये ये डिमांड है आप फुलफिल करो वरना मैं जो भी आपका ये इन्फॉर्मेशन इसे रिवील कर दूंगा या हार्म पहुंचा दूंगा डिलीट कर दूंगा। मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक इज नेटवर्क को आउटसाइड अटैक से प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज़्म फायरवॉल, एंटीवायरस, डिजिटल सिग्नेचर फॉर्मेटिंग में से क्या है तो करेक्ट आंसर होगा ए फायरवॉल हमारे नेटवर्क में जो भी आउटसाइड से अटैक होता है उसे प्रोटेक्ट करने का एक मैकेनिज्म है फायरबोल को ही नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस भी कहा जाता है फायरबोल के बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाए यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा फायरबोल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है और सुरक्षा नियमों के एक सेट के आधार पर डेटा पैकेट को अनुमति देता है या ब्लॉक करता है फायरबॉल का उद्देश्य क्या है हम लोग देखते हैं इसका पर्पस क्या है वायरस और हैकर्स जैसे मिलिशियस ट्रैफिक को रोकने के लिए आपके इंटरनल नेटवर्क और एक्सटर्नल रिसोर्सेस से आने वाले ट्रैफिक के बीच बैरियर इस्टैब्लिस करना फायरवॉल का पर्पस है डैश कैन हेल्प सिक्योर द यूजर डेटा एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कंपनीज कैन माइन फ्रॉम द यूजर ब्राउजिंग हैबिट्स इनमें से क्या यूजर डेटा को सिक्योर करने में हेल्प करता है और यूजर की ब्राउजिंग हैबिट्स से कंपनी द्वारा रिसीव की जाने वाली इंफॉर्मेशन की अमाउंट को लिमिटेड कर सकता है तो आंसर है ए वीपीएन वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये मदद करता है यूज़र के डेटा को सिक्योर बनाने में और कंपनी जो भी आपके ब्राउजिंग हैबिट से आपके डेटा को चोरी करती है उसके अमाउंट को कम करने में डैश इज़ अ ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोन एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंप्यूटर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी आई सिक्योरिटी ऑल ऑफ दिस दिया गया है इनमें से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक ब्रांच कौन सा है जिसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रूप में जाना जाता है तो आंसर है डी ऑल ऑफ़ दिस ये सभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ब्रांच है जिन्हें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट्स निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर थ्रेट्स का क्लास माना जाता है ए बी सी और डी आपके सामने है आंसर क्या होगा ए डोस अटैक डोस अटैक का मीनिंग है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक यह एक टाइप का साइबर अटैक है जिसमें कोई किसी मशीन या टारगेटेड एप्लीकेशन वेबसाइट एक्सेट्रा को उसके इंटेंडेड यूजर्स के लिए अन अवेलेबल बनाने का प्रयास करता है ईमेल्स फ्रॉम सेंडर्स ऑन योर ब्लैकलिस्ट ऑलवेज गो टू द dash फोल्डर आपकी ब्लैकलिस्ट में शामिल सेंडर की ईमेल हमेशा किस फोल्डर में जाती है किस फोल्डर में जाके स्टोर होती है आपको ये बताना है सपोज आपने किसी यूज़र के ईमेल को ब्लैकलिस्ट में डाला है तो अगर वो ईमेल भेजता है तो तो ये किस फोल्डर में जाएगा स्पैम फोल्डर में डैश रेफर्स टू द अनऑथोराइज कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सॉफ्टवेयर की अनऑथोराइज कॉपी और डिस्ट्रीब्यूशन को रेफर करता है तो आंसर होगा बी सॉफ्टवेयर पैरिसी इसी सेम क्वेश्चन को एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है अनऑथोराइज कॉपिंग एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट जिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज कॉल्ड एज डे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम की अनऑथोराइज कॉपी और यूजर को क्या कहा जाता है अनऑथोराइज कॉपी और यूज को क्या कहा जाता है तो आंसर होगा डी सॉफ्टवेयर पेरेसी आंसर सेम है क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है इसीलिए हमने दोनों करा दिया है हु द फॉलोइंग आर एज एथिकल हैकर निम्नलिखित में से किसे एथिकल हैकर कहा जाता है दिया गया है ब्लू हैट हैकर ब्लैक हैट हैकर ग्रे हैट हैकर वाइट हैट तो आंसर होगा डी व्हाइट हैट जो होते हैं इन्हें एथिकल हैकर कहा जाता है ये क्या करते हैं सपोज़ आपके वेबसाइट जो भी आपने बनाया है उसमें किसी भी तरह का बग या कह सकते हैं एरर है तो ये फाइंड करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई इसे इसे चेंज कर लो वरना कोई इसे जो है मिस यूज़ कर सकता है तो ऐसे हैकर को एथिकल हैकर्स कहते हैं जो वाइट हैट हैकर्स कहलाते हैं यानी कि सफ़ेद टोपी पहनते हैं और वाइट काम भी करते हैं सफ़ेद काम भी करते हैं हाउ टू सेव योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे सेव कर सकते हैं बचा सकते हैं तो दिया गया है रीबूटिंग री स्टार्ट स्कैन एंटी वायरस आंसर क्या होगा डी एंटी वायरस की मदद से सेव कर सकते हैं द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज कोड की स्क्रैम्बलिंग को कहा जाता है इनक्रिप्शन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज इनक्रिप्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन और डेटा इन टू आ कोड यह इंफॉर्मेशन या डेटा को एक कोड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है स्पेशली अनऑथथराइज एक्सेस को रोकने के लिए पिच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू डेंजरस प्रोग्राम्स दैट कैन बी कॉर्ट ऑफ ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट्स एंड डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट निम्नलिखित में से कौन सा डेंजरस प्रोग्राम को रेफर करता है जिसे ईमेल अटैचमेंट ओपन और इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पर पकड़ा जा सकता है दिया गया है ए यूटिलिटी बी वायरस सी हनी पोट डी स्पैम आंसर होगा बी वायरस वायरस को इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके और ईमेल अटैचमेंट को ओपन करके पकड़ा जा सकता है द लीगल राइट टू यूज़ द सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस इज ग्रांटेड वाया स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन के आधार पर सॉफ्टवेयर का यूज़ करने का लीगल राइट right किसके माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है आंसर क्या होगा बी सॉफ्टवेयर लाइसेंस अगर किसी सॉफ्टवेयर को यूज करने का आपके पास लाइसेंस है यानी कि आपके पास लीगल राइट right है तो आपको लाइसेंस मिल जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस सॉफ्टवेयर पे कुछ भी कर सकते हैं इसीलिए कहा गया है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस यानी कि अभी भी आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस है अ इज अ स्मॉल प्रोग्राम इम्बाइडेड इनसाइड अ आ आई और ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज जी आई एफ ई के अंदर इम्बाइड एक स्मॉल प्रोग्राम क्या है तो आंसर होगा ए वेब बग वेब बग जो है एक स्मॉल प्रोग्राम है जो जी आई एफ ई के अंदर इम्बाइड होता है जी आई एफ का फुलफॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है जो आपको याद रखना है जी का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वेब बग जो है ये क्या है तो वेब बग जी इमेज के अंदर इम्बेडेड एक छोटा प्रोग्राम है यानी कि स्मॉल प्रोग्राम है वेब बग को वेब वीकन ट्रैकिंग पिक्सल या पिक्सल टैग के रूप में माना जाता है इनका यूज़ अक्सर वेबसाइट्स पर यूज़र के बिहेवियर को ट्रैक करने यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए किया जाता है जैसे कि उनका आईपी एड्रेस या किसी स्पेसिफिक पेज पर बिताया गया समय वेब बग आमतौर पर एनालिटिक्स और मार्केटिंग पर्पसेस के लिए इम्प्लॉयड किए जाते हैं आ प्रोग्राम दैट इज़ एम्प्लॉयड इन द डेवलपमेंट रिपेयर और इन्हांसमेंट ऑफ अदर प्रोग्राम्स इज़ नोन एक प्रोग्राम जो अदर प्रोग्राम्स के डेवलपमेंट रिपेयर इन्हांसमेंट यानी कि उसमें और फीचर वगैरह को इंक्लूड करने में इम्प्लॉयड होता है उसे क्या कहा जाता है तो दिया गया है सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं सॉफ्टवेयर टूल कहते हैं एप्लीकेशंस प्रोग्राम कहते हैं या यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं आंसर होगा बी सॉफ्टवेयर टूल कहा जाता है ऐसे प्रोग्राम को जो दूसरे प्रोग्राम के डेवलपमेंट में कोई एरर हो तो रिपेयर करने में उसमें और अधिक फीचर वगैरह को इंक्लूड करने में इंप्लॉयड होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूजली ऑब्जर्वड ईच एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट ऑफ द विक्टिम गैदर ऑल इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड एंड सेंड इट टू समन एल्स निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर विक्टिम की इंटरनेट पर हर एक्टिविटी का निगरानी करता है यानी कि जो भी एक्टिविटी आप इंटरनेट पे करते हैं उसे ऑब्जर्व करता है बैकग्राउंड में सभी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और इसे किसी और को सेंड करता है तो ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है तो आंसर क्या होगा बी इस्पाईवेयर ये जो भी इंटरनेट पे हम एक्टिविटी करते हैं काम करते हैं उस पर निगरानी रखता है उस इंफॉर्मेशन को एक जगह पे बैकग्राउंड में गैदर करता है और किसी और को सेंड कर देता है इस्पाईवेयर एक अनवांटेड सॉफ़्टवेयर है जो आपके कंप्यूटिंग डिवाइस में घुसपैठ करता है इनफिल्ट्रेट्स करता है आपका इंटरनेट यूज डेटा और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है चुरा लेता है अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच अलाउस टू एक्सेस द इंटरनेट एंड व्यू वेब पेजेस ऑन योर कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमें इंटरनेट तक एक्सेस और हमारे कंप्यूटर पर वेब पेज व्यू करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं आंसर होगा सी वेब ब्राउजर ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको अलाउ करता है इंटरनेट को एक्सेस और वेब पेजेस को व्यू करने में आपके कंप्यूटर पर डैस आर ऑल्सो कोल्ड एज क्रैकर्स यहाँ पे ए बी सी एंड डी दिया गया है बताना है कि इनमें से किसे क्रैकर्स भी कहा जाता है आंसर क्या होगा डी ब्लैक हैट हैकर्स इन्हें क्रैकर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो भी एक्टिविटी करते हैं ये इलीगल होता है सपोज हमने व्हाइट हैट हैकर्स में क्या देखा था अगर हमारे वेबसाइट वगैरह में कोई एरर हो गूगल में भी हमने कई बार सुना है कि कुछ बग रहते हैं एरर रहते हैं तो वाइट हैट हैकर्स उसे फाइंड करके गूगल को बताते हैं कि आप में ये ये एरर है आप इसे चेंज कर लो वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं ये जस्ट उल्टा काम करते हैं आपका जो भी बग है उसे तो फाइंड करेंगे लेकिन इसका मिस यूज़ कर सकते हैं डैमेज कर सकते हैं तो इसीलिए इन्हें क्रैकर्स भी कहा जाता है द सीक्रेट कोड दैट रिस्ट्रिक्स एंट्री टू सम प्रोग्राम इज वो सीक्रेट कोड जो कुछ प्रोग्राम्स में एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता है पासवर्ड पासपोर्ट इंट्री कोड एक्सेस कोड क्या कहते हैं आंसर होगा पासवर्ड कहते हैं द एक्सेस कोड इज अ सीक्रेट कोड एक्सेस कोड जो होता है ये सीक्रेट कोड है जिसका यूज़ आमतौर पर किसी रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम में इंट्री से पहले यूज़र के ऑथेंटिकेशन के लिए किया जाता है विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन ट्रेवल ओवर द इंटरनेट एंड स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड मशीन टू द होल नेटवर्क निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क पर ट्रैवल कर सकता है और इन्फेक्टेड मशीन यानी कि संक्रमित मशीन से पूरे नेटवर्क में फैल सकता है आंसर क्या होगा बी वॉम्स अ व प्रोग्राम ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ या उसके बिना नेटवर्क पर सेल्फ रिप्लिकेट और प्रोपगेट यानी कि प्रचार कर सकता है और इसका इंटेंशन मिलेशियस होता है यानी कि सही नहीं होता है पर्पस क्या है सिक्रेटली दूसरे कंप्यूटर्स में डुप्लीकेट करना डैश आर अटेम्प्ट्स बाई इंडिविजुअल टू ऑप्टेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू टू फॉल्सीफाई देअर आइडेंटिटी इनमें से क्या व्यक्तियों द्वारा आपसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑप्टेन करके उसे फॉल्सीफाई करने का अटैम्प्ट तो आंसर होगा ए फीसिंग स्कैम जो है ये एक अटैम्प्ट है जो इंडिविजुअल के द्वारा आपसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है और उसकी आइडेंटिटी को गलत साबित करना है यही चीज़ हमने यहाँ पे टाइप किया है फीसिंग स्कैम्स व्यक्तियों द्वारा अपनी आइडेंटिटी गलत बताकर आपसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन गेन करने का अटेम्प्ट है। ये एक टाइप का कंप्यूटर वायरस ही है फीसिंग स्कैम का यूज यूजर नेम पासवर्ड्स क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है इन कंप्यूटिंग डैश इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स इस क्वेश्चन का आंसर हम उम्मीद करते हैं कि आप सही बताएंगे बताइए स्पाइवेयर कुकी स्पैम फायर में से राइट right आंसर क्या होगा तो इसका राइट आंसर डी है फायरवॉल हमने ऑलरेडी आपको बताया कि नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो है ये फायर है जो मॉनिटर और कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स पे अब यहाँ पे फायरबॉल्स के बारे में हमने और पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको रीड करना है ऑलरेडी हमने आपको इनफ बता दिया है जिससे आप समझ पाए होंगे कि फायरबॉल क्या है फिर भी आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिज़ाइंड टू रिकॉर्ड और लोग एवरी की स्ट्रोक ऑन द मशीन ऑन बिच इट रन ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे मशीन पर रन होने वाले एफ्री की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है तो आंसर है ए कीलोगर कीलोगर जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है इसे डिज़ाइन किया गया है रिकॉर्ड करने के लिए हर की स्ट्रोक को मशीन पर जिस पे ये रन होता है इट हाइट्स द ट्रू नेटवर्क एड्रेसेस एंड यूज टू इंटरसेप्ट ऑल मैसेजेस एंट्रिंग एंड लिविंग द नेटवर्क ट्रू नेटवर्क एड्रेस को हाइड करता है और नेटवर्क में इंट्री और लिबिंग यानी कि प्रवेश करने और छोड़ने वाले सभी मैसेज को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉक्सी सर्वर का पाई इज़ वन टाइम पासवर्ड सेफ वन टाइम पासवर्ड जो है ये सुरक्षित क्यों है सेफ़ क्यों है तो यहाँ पे दिया गया है ए इट इज़ इजी टू जनरेटेड इसे जनरेट करना इजी होता है इसीलिए वन टाइम पासवर्ड सेफ है बी है इट कैन नॉट बी शेयर्ड इसे शेयर नहीं किया जा सकता इसलिए सेफ है बी है इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस ये हर एक्सेस के लिए अलग अलग होता है इसलिए डी कहता है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इनक्रिप्टेड पासवर्ड आंसर क्या होगा सी इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस ये हर बार के लिए अलग होता है इसीलिए वन टाइम पासवर्ड को सेफ माना जाता है अगर कोई आपका वन टाइम पासवर्ड चुरा भी लेता है तो कुछ भी हार्म नहीं होता है क्योंकि अगर आपने उसे यूज़ कर लिया है दिन कोई उसे चोरी भी कर लेता है तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एक ही बार यूज़ होता है सेकेंड टाइम अलग आता है इसीलिए लिए वन टाइम पासवर्ड को सबसे सेफ़ माना जाता है डैश इज अ टाइप ऑफ मलवेयर दैट डिस्प्लेस एडवर्टीजमेंट्स ऑन योर कंप्यूटर एक टाइप का मलवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले करता है एडवेयर बैक रूट किट बोर्ड्स में से बताइए कौन सा एक टाइप का मलवेयर है तो आंसर होगा ए एडवेयर तो ये एक टाइप का मलवेयर है जो डिस्प्ले करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में एडवर्टीजमेंट्स एडवेयर अपने वेब ब्राउजर में डिसेप्टिव एड्स फ्लैशिंग पॉपअप विंडो लार्ज बैनर्स और फुल स्क्रीन ऑटो प्ले कोमर्शियल जो हैं शो so करते हैं एडवेयर बिना अलाउ के ब्राउजिंग डेटा गैदर करता है और एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए इसका यूज़ करता है पिच वॉजता फर्स्ट पी सी बूट सेक्टर वायरस यहाँ पे आपको बताना है कि पहला पी सी बूट सेक्टर वायरस कौन सा था तो आंसर होगा ए ब्रेन वट इज द पर्पस ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स हिंदी में कहते हैं सेवा से इनकार हमलों का पर्पज़ क्या है उद्देश्य क्या है यहाँ पे ए बी सी और डी दिए गए हैं जो आपको रीड करना है करेक्ट आंसर सी होगा टू ओवरलोड अ सिस्टम सो इट इज नो लॉन्गर ऑपरेशनल किसी सिस्टम को ओवरलोड करना ताकि वो अब ऑपरेशनल ना हो सके यानी कि चालू ना रहे द पर्पस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम इज अ प्रोसेस कॉल्ड किसी प्रोग्राम में एरर को फाइंड और करेक्ट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है आंसर है ए डीबगिंग डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर्स इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी एरर को फाइंड और उसे फिक्स यानी कि ठीक करने के प्रोसेस को डीबगिंग कहते हैं और एरर्स को बग भी कहा जाता है टू डीबग द सिस्टम मीन्स ये वाला जो क्वेश्चन था ना ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है टू डी बग सिस्टम मीन्स सिस्टम को डी बग करने का मीनिंग क्या है ए फाइंड द करेक्ट सिस्टम करेक्ट सिस्टम को फाइंड करना बी फाइंड एंड इंस्टॉल करेंट सिस्टम सी फाइंड एंड करेक्ट एरर्स ऑन सिस्टम डी है फाइंड द करेक्ट हार्डवेयर बताइए राइट आंसर क्या होगा सी होगा फाइंड एंड करेक्ट एरर्स ऑन सिस्टम सिस्टम में जो भी एरर्स होते हैं यानी कि बग होते हैं गलती होती है उसे फाइंड करना और उसे करेक्ट यानी कि ठीक करना डी बग का मीनिंग होता है सम वायरसेस है डीलेड पेलोड विच इज समाइम्स कॉल्ड आ कुछ वायरस में डीलेड पेलोड होता है जिसे कभी कभी कहा जाता है बॉम्ब तो करेक्ट आंसर सी होगा वॉट इज एंटीवायरस एंटीवायरस क्या है डी इट इज एन एप्लीकेशन सी कहता है इट इज आ कंप्यूटर बी है इट इज आ कंपनी नेम ए है इट इज आ प्रोग्राम कोड आंसर क्या होगा ए इट इज आ प्रोग्राम कोड एंटीवायरस एक प्रोग्राम कोड है एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड आ बग वॉट इज़ द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट अभी हमने कुछ क्वेश्चन पीछे ही देखा कि कंप्यूटर में एरर को बग भी कहा जाता है इसके लिए अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन क्या है ये बताना है तो आंसर होगा बी ग्लिच ग्लिच को हिंदी में कहे तो गड़बड़ी कह सकते हैं गड़बड़ कह सकते हैं ग्लिच आ गििच रेफर्स टू आ टेम्पररी मल फंक्शन और फॉल्ट इना सिस्टम ग्लिच किसी सिस्टम में टेम्पररी खराबी या गलती को रेफर करती है जो अक्सर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर या एरर का कारण बनती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट सेट्स द स्टैंडर्ड यूज बाई एवरी कंप्यूटर दैट एक्सेसेस वेब बेस्ड इन्फॉर्मेशन निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब आधारित इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने वाले हर कंप्यूटर द्वारा यूज़ किए जाने वाले स्टैंडर्ड को सेट करता है तो आंसर होगा सी एच टी टी पी जिसका फुलफॉर्म क्या होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अब आप कमेंट में लिख के बताइए कि एच का फुल फॉर्म का क्या है इफ यू रिसीव एन ई मेल ऑफरिंग टू रिमूव यू फ्रॉम आर मेलिंग लिस्ट वट शुड यू डू यदि आपको ई मेल लिस्ट से रिमूव करने के लिए कोई ई मेल ऑफर होता है यानी कि रिसीव होता है तो आपको क्या करना चाहिए ए डू नॉट respond यानी कि आपको जवाब नहीं देना चाहिए बी कॉल द लोकल पुलिस आपको लोकल पुलिस बुलाना चाहिए सी है रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली यानी कि आपको तुरंत से रिस्पॉन्स करना चाहिए उत्तर देना चाहिए डी है वेट अ वीक टू सी इफ द ऑफर इज़ रिपीटेड ये देखने के लिए एक वीक आपको वेट करना चाहिए कि ये फिर से रिपीट होता है कि नहीं तो आंसर होगा ए डू नॉट रिस्पॉन्स आपको रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए यदि आपके मेलिंग लिस्ट से रिमूव करने के लिए कोई ईमेल आपको ऑफर होता है तो अनदर नेम ऑफ कंप्यूटर एंटी वायरस इज कंप्यूटर एंटी वायरस का दूसरा नाम क्या है तो आंसर होगा ए वैक्सीन क्योंकि वायरस को रिमूव करने के लिए हम एंटी वायरस इंस्टॉल करते हैं यानी कि वायरस के लिए मेडिसिन का, का काम कर रहा है एंटी वायरस तो इसे हम वैक्सीन भी कह सकते हैं कि वायरस से हमारा कंप्यूटर जो है वो बीमार हो जाता है तो हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं यानी कि उसे वैक्सीन दिया जा रहा है वेन कंप्यूटर वायरस स्टार्ट टू इम्पैक्ट द डेटा इट इज़ नोन एज जब कंप्यूटर वायरस डेटा पर इम्पैक्ट डालने लगता है तो इसे कहते हैं वायरस इन्फेक्शन वायरस स्प्रेडिंग डेटा लॉसिंग सेटिंग डाउन आंसर होगा ए वायरस इन्फेक्शन कहा जाता है अनदर नेम ऑफ़ फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है ए बी सी या फिर डी आंसर होगा सी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं जिसका सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल होता है इना कंप्यूटर ट्रोजन होर्स इज आ कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स एक एंटीवायरस है वायरस है सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर है तो आंसर है बी वायरस है एग्जाम्पल ऑफ अ गुड पासवर्ड इज अगर आपसे कहा जाए कि गुड पासवर्ड यानी कि एक अच्छे पासवर्ड की एग्जाम्पल दीजिए तो क्या होगा राइट आंसर ए नेम ऑफ अ पार्टनर और स्पाउस यानी कि जो भी आपका पार्टनर है उसका आप नेम रख सकते हैं ये एक अच्छा पासवर्ड होगा बी नेम ऑफ आ चाइल्ड और पेट जो भी आपका बच्चा है या आपके घर में जो भी डोगी है आप उसका नेम रख सकते हैं ये गुड पासवर्ड का एग्ज़ाम्पल है सी वर्ड रिलेटेड टू अ जॉब और हॉबी जो भी आपका हॉबी है या फिर जहाँ पे आप काम करते हैं जो भी आप काम करते हैं उससे रिलेटेड अगर आप कोई वर्ड रखते हैं तो ये गुड पासवर्ड का एग्ज़ाम्पल होगा या फिर वर्ड्स कंटेंस मल्टीपल रैंडम डिजिट्स यानी कि जो भी वर्ड्स आप डाल रहे हैं वो रैंडम मल्टीपल रैंडम डिजिट्स होते हैं यानी कि कुछ भी आपने डाल दिया तो आंसर यहाँ पे डी होगा वर्ड्स कंटेंस मल्टीपल रैंडम डिजिट ये गुड पासवर्ड का एग्जाम्पल होगा क्योंकि अगर आप रैंडम डिजिट डालते हैं तो वो किसी को नहीं होता है अगर इसके जगह पर आप अपने पार्टनर का नाम या अपने चाइल्ड या पेट का नाम या फिर अपने हॉबी या जॉब से रिलेटेड कोई भी पासवर्ड रखते हैं तो ये गुड पासवर्ड का एग्जाम्पल नहीं होगा क्योंकि इसे कोई भी आपके साथ कुछ दिन रह के गेस करके जान सकता है मोस्ट कंप्यूटर क्राइम्स आर कमिटेड बाय अधिकांश कंप्यूटर क्राइम किसके द्वारा किए जाते हैं आंसर होगा ए हैकर्स। पर्सन हु गेन्स इलीगल एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज वो व्यक्ति जो कंप्यूटर सिस्टम तक इलीगल एक्सेस को गेन करता है उसे क्या कहते हैं तो आंसर क्या होगा ए हैकर कहा जाता है हैकर क्या है हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है अगर आप हैकर को दो लाइन में डिफाइन कर सकते हैं तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है आप लिखते हैं तो वहाँ से कई सारे लोग देख के सीखते भी हैं तो मालूम है तो, तो लिखिएगा आगे बढ़ते हैं फिलहाल कंप्यूटर मैक एफ इज अ कंप्यूटर में मैक एफ क्या है तो आंसर हो जाएगा बी एंटी वायरस है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल फॉर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है तो आंसर क्या होगा बी वायरस जो होता है ये कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होता है क्योंकि हमारे सिस्टम डेटा को डैमेज करता है कंप्यूटर वायरस इज सिंपली आ डिजीज़ सिंपली आ सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और कोड टाइप ऑफ बैक्टीरिया हार्डवेयर कंपोनेंट बताइए ए बी सी और डी में से क्या है तो आंसर हो जाएगा बी सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और कोड कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस या कोड का एक सेट है वायरसेस विच एग्जीक्यूट्स वेन कंप्यूटर स्टार्ट इज कंप्यूटर स्टार्ट होने पर कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है करेक्ट आंसर है बी बूट सेक्टर वायरस एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर एंटीवायरस प्रोग्राम इंक्लूड्स कंप्यूटर एंटीवायरस प्रोग्राम के एग्जाम्पल आपको देने कह रहा है यहाँ है ए नोर्टन बी मैकेफी सी डॉक्टर सोलोमन टूल किट डी ऑल ऑफ दिस बताइए कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम का एग्जाम्पल है तो आंसर डी होगा ये सभी है वायरस रीचेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर वाई वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक किसके द्वारा पहुंचते हैं ए एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स जब कंप्यूटर्स के बीच में डेटा को एक्सचेंज किया जाता है यानी कि लेन देन किया जाता है तब बी एक्सचेंज ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन जब डिस्प्ले स्क्रीन को एक्सचेंज किया जाता है देन सी एक्सचेंज ऑफ कीबोर्ड डी एक्सचेंज ऑफ प्रिंटर करेक्ट आंसर क्या होगा ए एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में डेटा को एक्सचेंज यानी कि सेंड या रिसीव किया जाता है तब वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुँच जाते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड बायोमेट्रिक्स एक्सेप्ट इनमें से सभी को बायोमेट्रिक्स कंसिडर किया जाता है किसी को छोड़कर तो दिया गया है ए फिंगरप्रिंट बी रेटिना सी पासवर्ड डी वॉइस आंसर क्या होगा सी पासवर्ड को छोड़कर ए बी एंड डी सभी बायोमेट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं अगर आपके फ़ोन या सिस्टम का पासवर्ड किसी को पता चल जाए तो वो उसे अनलॉक कर सकता है लेकिन फिंगरप्रिंट रेटिना वॉइस ये सभी अगर आप लगा के रखते हैं फोन को लॉक करके रखते हैं तो ये आपका ही लगेगा इसीलिए इन्हें बायोमेट्रिक्स कहा जाता है ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ़ कंप्यूटर वायरस निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का, का कारण नहीं है ईमेल नेटवर्क पायरेटेड सॉफ्टवेयर लॉजिक बॉम्ब आंसर क्या होगा बी नेटवर्क ये कंप्यूटर वायरस का कारण नहीं है डायरेक्टली तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टाइप किया है नेटवर्क अपने आप कंप्यूटर वायरस का कारण यानी कि खुद में कंप्यूटर वायरस का कारण नहीं है हालांकि वायरस नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं कंप्यूटर वायरस के प्राइमरी रीज़न आमतौर पर जो भी हम एक्टिविटी करते हैं या सॉफ्टवेयर में जो वीकनेसेस होते हैं इससे रिलेटेड होते हैं ना कि नेटवर्क होता है सीक्रेट वर्ड्स और नंबर्स यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइसेस इज कॉल्ड डिवाइस को प्रोटेक्शन देने के लिए यूज किए जाने वाले सीक्रेट वर्ड्स या नंबर्स जो होते हैं क्या कहलाते हैं तो आंसर क्या होगा सी पासवर्ड्स डैश इज अ मेलेियस प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स वेन अ सर्टेन क्राइटेरिया इज मेट और अ सर्टेन फाइल इज एक्सेस्ड और वेन अ सर्टेन की कॉम्बिनेशन इज प्रेस्ड बताना है कि इनमें से कौन सा एक मेलेशियस प्रोग्राम है जो एक सर्टेन क्राइटेरिया पूरा होने पर या एक सर्टेन फाइल को एक्सेस करने पर यानी कि एक निश्चित फाइल को एक्सेस करने पर या एक निश्चित की कॉम्बिनेशन को प्रेस करने पर एग्जीक्यूट होता है तो आंसर होगा ए लॉजिक बॉम्ब यह एक मिलेसिस प्रोग्राम है ये तभी एग्जीक्यूट होता है जब एक सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल होता है लॉजिक बॉम्ब के बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं अ लॉजिक बॉम्ब इज अ पीस ऑफ कोड ये एक पीस ऑफ कोड होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर इंसर्ट किया जाता है जो एक निश्चित समय सीमा या स्पेसिफिक क्राइटेरिया के पूरा होने के बाद एक मिलेसियस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करता है लॉजिक बॉम्ब का यूज़ अक्सर वायरस बॉम्ब्स और ट्रोजन होर्स के साथ किया जाता है ताकि उन्हें नोटिस करने से पहले यानी कि उसके बारे में पता लगने से पहले मैक्सिमम डैमेज पहुंचाया जा सके डैश इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम अटैक दैट साइबर क्रिमिनल्स यूज टू ब्रिंग डाउन अ सिस्टम और नेटवर्क एक टाइप का साइबर क्राइम अटैक है जो जो उपयोग साइबर क्रिमिनल्स किसी सिस्टम या नेटवर्क को ब्रिंग डाउन करने के लिए करते हैं यानी कि हिंदी में कहें तो ध्वस्त करने के लिए करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा डी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जो होता है ये सिस्टम के ऑपरेशनल को जो भी काम होते हैं उन्हें बंद कर देता है सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होता है तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक जो है साइबर क्राइम अटैक का टाइप है जो साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं किसी सिस्टम या नेटवर्क को Bring डाउन करने के लिए ध्वस्त करने के लिए बंद करने के लिए Which ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे ऑफ इंश्योरिंग दैट इवन इफ द हार्डवेयर फेल्स यू विल स्टिल बी एबल टू एक्सेस योर डेटा इन कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा ये इंश्योर करने का तरीका नहीं है कि भले ही हार्डवेयर फेल हो जाए फिर भी आप कंप्यूटर में अपने डेटा को एक्सेस कर पाएंगे दिया गया है ए बैकअप ऑल डेटा बी रन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सी मेक योर डेटा इज पासवर्ड डी स्टोर डेटा ऑन क्लाउड स्टोरेज बताइए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा बी रन एंटी वायरस सॉफ्टवेयर जब आप एंटी वायरस सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो ये आप कंप्यूटर को मलवेयर और वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डायरेक्टली मेथड नहीं है कि अगर आपका हार्डवेयर फेल हो जाए तो आपका डेटा एक्सेस करने देगा लेकिन अगर आप हमेशा डेटा का बैकअप लेते रहते हैं एक्सटर्नल डिवाइस में सेव करते हैं तो आपका हार्डवेयर फेल हो जाने के बाद भी आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड स्टोरेज पर अगर आप अपने डेटा को रखे हैं तो भी हार्डवेयर फेल होने पे आपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं बी जो है मेक्स योर डेटा इज पासवर्ड ये एक डेटा को प्रोटेक्ट करने का एक स्टेप हो सकता है लेकिन टोटली totally ये सही नहीं है लेकिन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दिया गया है तो आंसर यहाँ पे यही होगा अगर ये नहीं होता देन ये आंसर हो सकता था एक्सटेंशन ऑफ कंप्यूटर एग्जीक्यूटेबल फाइल इज कंप्यूटर एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है करेक्ट आंसर डी है ई एक्स ई पिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैक इन विच द यूजर रिसीव्स द अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल्स निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अटैक है जिसमें यूजर को अनवांटेड अमाउंट ऑफ ई मेल रिसीव होते हैं तो ऐसे अटैक को कहते हैं ई मेल बॉम्ब अटैक ईमेल बॉम्ब एक अटैक है आपके इनबॉक्स में जो इन्वॉल्व होते हैं सेंडिंग मैसिव अमाउंट ऑफ ईमेल्स टू योर एड्रेस यानी कि आपके ईमेल एड्रेस में अनवांटेड या फिर कह सकते हैं मैसिव अमाउंट ऑफ ईमेल्स भेजे जाते हैं कई बार ये ईमेल जो होते हैं ये क्लियर नहीं होते हैं बट मोर ऑफन दे विल बी कन्फर्मेशन ई मेल और न्यूज लेटर एंड सब्सक्रिप्शन बट ज़्यादातर ये ईमेल जो होते हैं ये आपको कन्फर्मेशन टाइप के आते हैं कि ये सब्सक्रिप्शन है इसका इतना डिस्काउंटेड है इस टाइप के ईमेल जो होते हैं इन्हें ईमेल बॉम्ब अटैक कहते हैं जैसे ही आप उसे क्लिक करते हैं एक्सेस करते हैं तो फ्रॉड होता है द मेन रीज़न टू इनक्रिप्ट आ फाइल इज टू किसी फाइल को इनक्रिप्ट करने का मेन रीज़न क्या है ए रिड्यूस इट्स साइज इसके साइज़ को कम करना बी सिक्योर इट फॉर ट्रांसमिशन इसे ट्रांसमिशन के लिए सिक्योर करना बी प्रिपेयर इट फॉर बैकअप बैकअप के लिए प्रिपेयर करना डी है इंक्लूड इट इन द स्टार्टअप सिक्वेंस आंसर क्या होगा बी सिक्योर इट फॉर ट्रांसमिशन किसी फाइल को इनक्रिप्ट करने का मेन रीज़न है ट्रांसमिशन के लिए सिक्योर करना डायनमिक पैकेट फिल्टर्स फायरवॉल आर फोर्थ जनरेशन फायर दैट वर्क एट डायनमिक पैकेट फिल्टर फायरवॉल फोर्थ जनरेशन के फायर वॉल्स हैं जो किस पर काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर टीसीपी यूडीपी टीसीपी और यूडीपी या फिर सेशन लेयर आंसर होगा डी टीसीपी एंड यू पर पीअर पर यहाँ पे देखते हैं टी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यू का यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल दोनों फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है टी जो है ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशंस यूजिंग पोर्ट नंबर्स यू को कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कहते हैं इट टेक्स एडवांटेजेस ऑफ बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कैरेक्ट्रिस्टिक्स ए बी सी एंड डी दिया गया है आंसर होगा ए सिस्टम डिज़ाइन ये बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कैरेक्ट्रिस्टिक्स का एडवांटेजेस लेते हैं उठाते हैं डैश यूज़ प्रिटी गुड प्राइवेसी एल्गोरिदम ए बी सी एंड डी में से कौन प्रिटी गुड प्राइवेसी एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं तो आंसर होगा सी बोथ इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एंड फाइल इंक्रप्शन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिटी गुड प्राइवेसी को पीजीपी भी कहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और फाइल इंक्रिप्शन दोनों पी जी का इस्तेमाल करते हैं PGP जी पी इजन इंक्रप्शन प्रोग्राम जो प्रोवाइड करता है किप्टोग्राफिक प्राइवेसी एंड ऑथेंटिकेशन किस लिए डेटा कम्युनिकेशन के लिए PGP का इस्तेमाल करते हैं साइनिंग इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग टेक्स्ट ईमेल्स फाइल्स डायरेक्टरीज एंड होल्ड डिस्क पार्टीशन इन सभी काम के लिए PGP का इस्तेमाल होता है एंड टू इंक्रीज़ द सिक्योरिटी ऑफ ई मेल कम्युनिकेशन ई मेल कम्युनिकेशन के सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए भी पी जी पी का इस्तेमाल होता है अनसोलिसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस सेंट फॉर मार्केटिंग पर्पसेस आर कॉल्ड मार्केटिंग पर्पसेस के लिए भेजे गए अनसोलिसिएटेड यानी कि अनचाहे चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को क्या कहा जाता है तो आंसर होगा सी स्पैम पिच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स आ कम्प्यूटर्स मेमरी बट अनलाइक अ वायरस इट डज नॉट रिप्लीकेट इट सेल्फ निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की मेमोरी को इनपुट करता है बट अनलाइक अ वायरस लेकिन वायरस के विपरीत ये खुद रिप्लीकेट नहीं होता तो आंसर हो जाएगा बी लॉजिक बॉम्ब यहाँ पे हमने टाइप किया है मिलेशिया सॉफ्टवेयर का वो टाइप जो कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर करता है लेकिन वायरस के विपरीत खुद को रिप्लिकेट नहीं करता एक लॉजिक बॉम्ब है लॉजिक बॉम्ब कोड का एक पीस है जिसे किसी स्पेसिफिक इवेंट या कंडीशन के रिस्पांस होने पर एग्जीक्यूट करने के लिए सेट किया जाता है यानी कि जब एक सर्टेन कंडीशन फुलफिल होगा तो ये एग्जीक्यूट होता है द मोस्ट divesting लॉस टू a कंपनी इज किसी कंपनी के लिए सबसे विनाशकारी जो लॉस है नुकसान है वो क्या है यानी कि इससे बुरा तो अब कुछ हो ही नहीं सकता तो यहाँ पे दिया गया है ए लॉस ऑफ हार्डवेयर बी लॉस ऑफ डेटा सी लॉस ऑफ सॉफ्टवेयर डी लॉस ऑफ प्रिंट आउट्स आंसर होगा बी लॉस ऑफ डेटा अगर कोई किसी कंपनी का डेटा जो है ये लॉस हो जाता है तो ये उस कंपनी के लिए सबसे बुरी कंडीशन है सारे कंडीशन ही सही है लेकिन ये सबसे विनाशकारी बोला था तो ये आंसर होगा लेकिन अगर हार्डवेयर खो जाए सॉफ्टवेयर खो जाए या आपने कोई इंपॉर्टेंट प्रिंटआउट्स निकाल के रखे हैं और जब आपको जरूरत पड़े वो ना मिले तो ये सभी भी है लेकिन ये सबसे विनाशकारी है यही चीज़ हमने यहाँ पे टाइप किया है आप इसे रीड कर लीजिएगा पिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की फंक्शन ऑफ फायरबॉल निम्नलिखित में से कौन सा फायरबॉल का की फंक्शन है यानी कि प्रमुख काम है सबसे मेन काम है तो आंसर क्या है ए मॉनिटरिंग फायरबॉल क्या है ये अब समझाने की ज़रूरत नहीं है उम्मीद करते हैं क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी समझाया है फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछेगा आगे बढ़ते हैं द फर्स्ट पी सी वायरस वॉज डेवलप्ड इन पहला पी सी वायरस जो है कब विकसित किया गया था करेक्ट आंसर सी होगा 1986 में वेरीफिकेशन ऑफ आ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड ऑन अ कंप्यूटर इज़ नोन एज कंप्यूटर पर लॉगिन नेम और पासवर्ड के वेरिफिकेशन को किस रूप में जाना जाता है ए आइडेंटिफिकेशन बी ऑथेंटिकेशन सी सिंक्रोनाइजेशन डी एक्सेसिबिलिटी राइट आंसर क्या होगा बी ऑथेंटिकेशन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन नेम और पासवर्ड के वेरिफिकेशन को कंप्यूटर पर ऑथेंटिकेशन कहा जाता है ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी करती क्या है ये चेक कर सिस्टम के लिए एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करती है कि यूजर की क्रीडेंशियल ऑथोराइज यूजर के डेटाबेस या डेटा ऑथेंटिकेशन सर्वर में क्रीडेंशियल से मैच होती है या नहीं इट इज अ सेल्फ रिप्लीकेटिंग प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स कंप्यूटर एंड स्प्रेड्स बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इट्स सेल्फ इन टू अदर एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट्स करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है वायरस वायरस एक सेल्फ रिप्लीकेटिंग प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को संक्रमित करता है और अदर एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट्स में खुद की कॉपीज इंसर्ट करके स्प्रेड करता है यानी कि फैलाता है सॉफ्टवेयर सच एज वायरसेस वाम्स एंड ट्रोजन होर्सेस दैट अ मिलीशियस कंटेंट इज नोन एज सॉफ्टवेयर जैसे कि वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स, वायरस इनमें मिलीसियस कंटेंट होती है इन्हें क्या कहा जाता है आंसर क्या होगा ए मलवेयर अ मलवेयर इज अ मलवेयर क्या है हार्डवेयर प्रोग्राम सर्च इंजन वायरस नेम राइट आंसर होगा बी प्रोग्राम मलवेयर एक प्रोग्राम है इट इज अ प्रिपेयर्ड एप्लीकेशन दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ अ नॉन वीकनेस बताना है कि ये एक प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार एप्लीकेशन है जो नॉन वीकनेस का फायदा उठाता है तो कौन सा है आंसर होगा ए सिक्योरिटी एक्सप्लॉयट कोडेड एंट्रीज पिच आर यूज टू गेन एक्सेस टू आ कंप्यूटर सिस्टम आर कोल्ड कोडेड एंट्रीज जिनका यूज कंप्यूटर सिस्टम तक एक्सेस गेन करने के लिए किया जाता है क्या कहते हैं करेक्ट आंसर है बी पासवर्ड्स वॉट इज स्पाइवियर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में स्पाइवेयर क्या है तो स्पाईवेयर क्या है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे दिए गए हैं ए बी सी और डी आपको रीड करना है हम आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताएंगे ताकि टाइम सेव हो क्योंकि आप ही कहते हैं कि बार बार सारे ऑप्शंस को रीड मत किया कीजिए तो राइट आंसर ए है सॉफ्टवेयर दैट एम्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन विदाउट हीज हर नॉलेज एंड दैट में सेंड सच इन्फॉर्मेशन टू अनदर इंटिटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जिसका पर्पज़ किसी व्यक्ति की जानकारी के बिना यानी कि उसके नॉलेज के बिना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना और जो ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी अदर इंटिटीज़ को भेज सकता है यानी कि आपके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन वो गैदर करता है आपके नॉलेज के बिना जो किसी अदर व्यक्ति को अगर सेंड किया जाए तो आपको हार्म पहुंचाया जा सकता है तो यह काम स्पाइवियर करता है बताइए क्या है? ए बी सी और डी दिए गए हैं करेक्ट आंसर डी है ट्रोजन हॉर्स इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट लेजिटिमेट बट फंक्शन दैट कॉज डेमेजन होर्स एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो लेटी होता है लेकिन इसमें हिडन फंक्शन होते हैं जो डैमेज पहुंचाते हैं डिजिटल सिग्नेचर इज डिजिटल सिग्नेचर क्या है आंसर होगा सी इंक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन एक डिजिटल सिग्नेचर इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर रहा है अगर किसी डिजिटल डेटा में हम डिजिटल सिग्नेचर करते हैं इसका मीनिंग आप ये कह सकते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं किया जा सकता है एडिट नहीं कर सकते हैं अल्टर नहीं कर सकते हैं यानी कि अनचेंज इंफॉर्मेशन और डेटा है डैस इज़ एनी थिंग दैट कैन कॉज हार्म करेक्ट आंसर सी है थ्रेट कुछ भी है जो नुकसान पहुंचा सकता है क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं डैश इज अ प्रोग्राम दैट अपीयर्स और प्रिटेंड्स टू बी अ जैनविन एप्लीकेशन बट एक्चुअली कॉजेज डैमेज टू द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ऑन द कंप्यूटर बताना है कि इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम है जो जैनविन एप्लीकेशन दिखता है या होने का दिखावा करता है यानी कि आपको प्रिटेंड करता है धोखा देता है कि मैं सही एप्लीकेशन हूँ लेकिन एक्चुअली में कंप्यूटर पर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को नुकसान पहुंचाता है तो आंसर क्या होगा ए ट्रोजन हॉर्स। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स के बारे में और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लीजिए क्योंकि ट्रोजन हॉर्स जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड जब बात होती है तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ट्रोजन हॉर्स और ट्रोजन एक टाइप का मिलेसियस कोड या सॉफ्टवेयर है जो लेजिटिमेट दिखता है लेकिन आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है ट्रोजन को आपके डेटा या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने, चोरी करने या अदर हानिकारक जो भी काम होते हैं उसे करने के लिए डिजाइन किया गया है तो हमने 85 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है अब इसी के बेसिस पे हम 50 और क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके मॉक टेस्ट के पर्पज से डिजाइन किया गया है देखते हैं कि आप 50 में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं वीडियो के लास्ट में ऑनेस्टली बताइएगा सबसे पहला क्वेश्चन देखिए वॉट इज द मीनिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है सबसे स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था ए प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना बी प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर इक्विपमेंट डिवाइसेस और कम्युनिकेशंस कंप्यूटर की जो भी डिवाइसेस होती हैं और जो भी कम्युनिकेशंस होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना साइबर सिक्योरिटी का काम है सी प्रोटेक्टिंग द कंप्यूटर और नेटवर्क एक्सेस कंप्यूटर कहिए या नेटवर्क एक्सेस की बात करें इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम साइबर सिक्योरिटी करता है डी है ऑल ऑफ दी एबव बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा डी ऑल ऑफ दी एबव तो जिसने भी डी पे टिक किया है तो आपका एक क्वेश्चन सही हो चुका है सेकंड पे आते हैं मलेशिया सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स मलेसिया सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होते हैं वायरस वॉर्म ट्रोजन हॉर्स या फिर ये सभी करेक्ट आंसर क्या होगा डी ऑल ऑफ दी एबव ये सभी मलेसियस सॉफ्टवेयर में शामिल है क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए डैश कैन ट्रैवल ओवर द नेटवर्क एंड स्प्रेड फ्रॉम द होल नेटवर्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन इनमें से क्या नेटवर्क पर ट्रैवल कर सकता है और ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कि मानव के हस्तक्षेप के बिना पूरे नेटवर्क पर फैल सकता है करेक्ट आंसर क्या होगा ए वॉम्स। डिलेड पेलोड ऑफ सम वायरसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कुछ वायरस के डिलेड पेलोड को क्या कहा जाता है आंसर होगा ए वॉम्ब अडाइस इज अ स्मॉल प्रोग्राम इम्बाइडेड इन साइड ऑफ आ जी आई एफ इमेज जी आई एफ इमेज के अंदर इम्बाइडेड एक स्मॉल प्रोग्राम कौन सा होता है वेब बग कुकीयर एप्लीकेशन स्पैम ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया है तो आंसर क्या है ए वेब बग एक स्मॉल प्रोग्राम है जो GIF इमेज के अंदर इम्बेडेड होता है अब आप कमेंट में लिख के बताइए कि GIF की फुल फॉर्म क्या होती है आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे कंप्यूटर मेलेसियस प्रोग्राम विच इज एक्टिवेटेड वेन आर स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस इज मेट इज कॉल्ड कंप्यूटर मेलेसियस प्रोग्राम जो एक स्पेसिफिक कंडीशन के पूरा होने पर एक्टिवेट होते हैं या कह सकते हैं एग्जीक्यूट होते हैं उन्हें क्या कहते कहा जाता है राइट right आंसर क्या होगा डी लॉजिक बॉम्ब ज्यादा समय नहीं लेना है दो से तीन सेकंड में आपको आंसर बताने हैं क्योंकि एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन ज्यादा समय लेने की वजह से छूट जाते हैं आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे वेरिफिकेशन ऑफ आर लॉग नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज बताइए लॉगिन नेम और पासवर्ड के वेरिफिकेशन को क्या कहते हैं आंसर है सी ऑथेंटिकेशन क्वेश्चन नंबर एट डैश मॉनिटर यूजर एक्टिविटी एट ऑन इंटरनेट एंड ट्रांसमिट इट टू समवन एल्स एट बैकग्राउंड बताना है कि इंटरनेट पर यूजर एक्टिविटी की निगरानी करता है और इसे बैकग्राउंड में किसी और को सेंड करता है मलवेयर स्पाइवेयर एडवेयर वॉम कौन करता है इस काम को आंसर है बी स्पाईवेयर करता है तो जो भी एक्टिविटी आप करते हैं किस वेबसाइट पे कितना समय बिता रहे हैं क्या काम कर रहे हैं किससे चैटिंग कर रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन आपकी गैदर करता है और आपको पता भी नहीं होता है और जब भी आपके बारे में ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिसे लीक करके आपको डैमेज पहुंचाया जा सकता है आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है सेंड कर देता है दूसरे बंदे को यहाँ पे देखिए द मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक इज कॉल्ड प्राइवेट नेटवर्क को जो भी आउटसाइड अटैक बाहरी अटैक से प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज़्म जो होता है उसे क्या कहा जाता है आंसर क्या होगा बी फायरबॉल क्वेश्चन नंबर टेन देखिए पिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मलेशियल सॉफ्टवेयर दैट ऑन एग्जीक्यूशन रन इट्स ऑन कोड एंड मोडिफाइज अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेसियल सॉफ्टवेयर है जो एग्जीक्यूशन पर अपना खुद का कोड रन करता है और अदर कंप्यूटर प्रोग्राम को मोडिफाई करता है करेक्ट आंसर क्या होगा ए वायरस क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आ कंप्यूटर्स मेमोरी, बट अनलाइक अ वायरस इट डज़ नॉट रिप्लीकेट इट्स सेल्फ ये क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरीके से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मेमोरी है बट अनलाइक अ वायरस लेकिन वायरस के विपरीत ये खुद रिप्लीकेट नहीं करती करेक्ट आंसर है बी लॉजिक बॉम्ब इसका आंसर बताइए फिल इन द ब्लैंक्स डैश डिफाइंड एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट अलाउस और रिजेक्ट्स नेटवर्क एक्सेस बिटवीन एन अनऑथोराइज जोन एंड अ ऑथोराइज जोन हब ब्रिज राउटर एंड फायरवॉल दिए गए हैं आंसर क्या होगा डी फायर हमने आपको बताया है कि फायर डिफाइन करता है कि ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो अनऑथोराइज जोन और ऑथोराइज जोन के बीच नेटवर्क एक्सेस को अलाउ या रिजेक्ट करता है इट इज़ आ टूल यूज टू क्विकली चेक कंप्यूटर्स ओना नेटवर्क फॉर नॉन वीकनेसेस ये एक टूल है जिसका यूज़ किसी नेटवर्क पर नॉन वीकनेसेस के लिए कंप्यूटर की क्विकली जांच करने के लिए किया जाता है ए बी सी और डी करेक्ट आंसर क्या होगा बी वेलरनेबिलिटी स्कैनर ये क्या होता है डिटेल में देखते हैं वेलरनेबिलिटी स्कैनर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे नॉन वीकनेसेस के लिए कंप्यूटर नेटवर्क या एप्लीकेशन का एसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है इन स्कैनर्स का यूज दिए गए सिस्टम की वीकनेसेस का पता लगाने के लिए किया जाता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अ डिजिटल सिग्नेचर इज यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं इन्हें कंसिडर करके बताना है कि एक डिजिटल सिग्नेचर के बारे में दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है ए वन ओनली बी टू एंड थ्री ओनली सी थ्री ओनली डी है वन टू एंड थ्री तो सभी को आप अच्छे से पढ़िए राइट आंसर क्या होगा थर्ड थ्री ओनली डिजिटल सिग्नेचर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में साइन करने का एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है और इंश्योर करने का कि दैट द ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज्ड यानी कि ये जो ये ओरिजिनल कंटेंट है ये अनचेंज्ड है इसे चेंज नहीं किया जा सकता और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस यू शुड इंस्टॉल डैश इन योर कंप्यूटर अपने कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करना है तो कंप्यूटर में आपको क्या इंस्टॉल करना चाहिए तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा ए एंटी वायरस तो 15 में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है कमेंट में लिख के बताइए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले